नमस्कार प्यारे बच्चों। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में पता चलेगा जो कि अपने पिता से बहुत प्यार करता था, ठीक है, लेकिन कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिससे कि उसे अपने पिता के जो दुलार उसके पिता करते थे वो उसे नहीं मिल पाया, ठीक है। तो क्या उसके साथ ऐसा हुआ जिससे उसको किसी की डांट पड़ी? तो आइए चलते हैं ऐसे ही प्यारे से बच्चे की कहानी। कहानी का नाम है ध्रुव से ध्रुव तारा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रभु की भक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। प्रस्तुत कथा इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रस्तुत कथा मतलब ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि भक्ति से और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो ये करना ही है तो वो सब कुछ संभव हो सकता है। तो देखते हैं इस बालक ने ऐसा क्या किया जिससे कि इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें देखने को मिली और उसका उदाहरण ये श्रेष्ठ उदाहरण बना। तो आइए पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। बहुत समय पहले हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद, क्या नाम था उनका? उत्तानपाद, ठीक है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। रानी सुरुचि बहुत ही घमंडी थी। तो राजा जो उत्तानपाद थे उनकी कितनी रानियां थी? दो रानियां, सुनीति और सुरुचि, ठीक है। और उनके दो बच्चे थे, बड़ी जो सुनीति रानी थी उनका बेटे का नाम क्या था? ध्रुव। और जो छोटी रानी थी उसका नाम क्या था? सुरुचि। और छोटी रानी के बेटे का नाम क्या था? उत्तम। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। So, एक दिन क्या हुआ, एक दिन बालक ध्रुव, बड़ी रानी का बेटा, ठीक है, सुनीति का, ध्रुव राजा के पास गया तो राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर खूब लाड़ पार किया, ठीक है, बहुत प्यार किया, दुलार किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उत्तम भी वहां आ गया, सुरुचि रानी वाला बेटा, ठीक है। तो वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। राजा ने उसे भी उठाकर गोद में बिठा लिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रानी सुरुचि भी वहां आ गई, ठीक है। अपने पुत्र उत्तम के साथ ध्रुव को भी राजा की गोद में बैठा देखकर रानी बहुत क्रोधित हुई, ठीक है। रानी को बहुत गुस्सा आया कि तो मेरे बेटे को वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन तो बड़ी रानी का बेटा वहाँ पर बैठा है, कहीं राजा उस बेटे को ज़्यादा ना प्यार करना लग जाए, है ना। तो रानी को बहुत गुस्सा आता है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर राजा की गोद से नीचे उतार दिया, ठीक है। सो आगे देखें, उसने ध्रुव से कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का हक नहीं है। हक क्या होता है? अधिकार, ठीक है। रानी ने कहा कि तुम्हें उनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, केवल मेरा बेटा उत्तम ही राजा की गोद में बैठेगा। तो इस तरह रानी ने ध्रुव तारा को, जो था राजा का जो बड़ा बेटा था ध्रुव, उसकी तरफ अपना गुस्सा जाहिर किया। तो आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। जो ध्रुव था अब उसको डांट पड़ी कि रानी, जो छोटी रानी थी राजा की, उसने उसको डांटा कि आपको अपने पिता की गोद में बैठने का कोई हक नहीं। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है कि हम अपने पिता की गोद में बैठे और हमें कोई अधिकार नहीं हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रानी जो गलत बात की। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, उसने माँ को सारी घटना कह सुनाई, ठीक है। अब माँ ने कहा, बेटा तुम भगवान की पूजा करो, उनकी कृपा से, कृपा मतलब भगवान के आशीर्वाद से, तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। रानी ने क्या समझाया, जो सुनीति थी उन्होंने समझाया ध्रुव को कि ध्रुव तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने पिता की गोद में थोड़ी बैठना है, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो उनसे भी ऊंची जगह तुम्हें, उनसे भी ऊंचा स्थान तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, माँ की बात सुनकर ध्रुव वन में चला गया, वन मतलब जंगल में चला गया। अनेक कष्ट सहकर उसने वहाँ एक
एक पैर पे खड़े रहकर कठोर तप किया। क्या किया? कठोर तप किया, बहुत तपस्या की भगवान की। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर, प्रसन्न मतलब खुश होकर, भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। दर्शन मतलब क्या होता है, उनको वो दिखाए हुए, भगवान प्रकट हो गए, उसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। प्रदान करना मतलब भगवान ने ध्रुव को बहुत ऊंची जगह दी। क्या दी? कहा जाता है कि आज भी आकाश में ध्रुव तारा चमकता है। वह सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा, सदैव अपने स्थान पर उत्तर दिशा में दिखाई देता है। वह पथ भूलों को, पथ भूलों मतलब जो रास्ते से भटक जाते हैं, उनको राह बताता है, उनको रास्ता बताता है। सप्तऋषि और परिक्रमा करते। सप्तऋषि जो तारा है, ठीक है, सप्तऋषि जितने भी हैं, सात जो ऋषि हैं, वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। धन्य है वह भारत भूमि जहाँ दृढ़ प्रतिज्ञ, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं और पूरा ठान लेते कि हमें ये काम करना ही है, ईश्वर भक्त ध्रुव जैसे बालक ने जन्म लिया। सो बच्चों, देश के महान बालक ध्रुव का परिचय देना और उनके चरित्र से सीखने की प्रेरणा हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह ध्रुव से, ध्रुव तारा का जो सफर एक अच्छे बच्चे से और बेस्ट और श्रेष्ठ बच्चा बनने का सफर में उनको क्या, जो सबसे अच्छी चीज क्या काम आई, दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर तपस्या। मतलब ये कि अगर हम ठान लें कि हमें कोई चीज़ करनी है, तो सब ठानने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से एक ध्रुव जो अच्छा बच्चा था, कैसे वो ध्रुव तारा बना, क्योंकि अपनी तपस्या और दृढ़ प्रतिज्ञा से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। देखिए आपको कितना समझ में आया। सबसे पहले हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। घमंडी, घमंडी का अर्थ क्या होता है बच्चों, अभिमानी, प्राउडी। ठीक है, हक अधिकार, तप तपस्या, सदैव हमेशा, सप्तऋषि सात ऋषि, सप्त का अर्थ होता है सात। ठीक है, दृढ़ अपनी बात पर अटल। फिर देखिए क्रोधित नाराज, कृपा दया, प्रसन्न खुश, राह रास्ता, और परिक्रमा करना क्या होता है, चक्कर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए हमें उत्तर बताना, राजा का क्या नाम था, उत्तानपाद राजा। ठीक है, बालक ध्रुव की माँ का नाम क्या था, ध्रुव जो ध्रुव तारा था उनकी माँ का क्या नाम था, बड़ी रानी का, सुनीति। ठीक है, वन में जाकर ध्रुव ने क्या किया, वन में जाकर ध्रुव ने एक पैर पे खड़े होकर भगवान की कठोर तपस्या की। ठीक है, अब ध्रुव तारा सदैव किस दिशा में चमकता है, सोचिए कौन सा इसकी दिशा है, ध्रुव तारे की उत्तर दिशा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम सही उत्तर पर। गोले को आपको ये जो OMR शीट है, इसमें आपको बहुत ध्यान से जो सर्कल है उन्हें अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, राजा उत्तानपाद के कितनी रानियां थी, तो कितनी रानी थी बच्चों, याद आया, सिर्फ दो, सुनीति और सुरुचि। तो क के अंदर हमारा कौन सा उत्तर है, बी वाला। ठीक है, तो बी को आप बहुत अच्छे से सर्कल करेंगे। ठीक है, अच्छे से ये आपका बाहर तक ना जाए, गोले के अंदर ही पूरा पूरा सर्कल होना चाहिए। ठीक है, ख देखिए, रानी सुरुचि के बेटे का क्या नाम था बच्चों, याद है आपको, उत्तम। तो ख का क्या होगा, ए वाला, उत्तम। तो आपको ख में ए वाले जो है ऑप्शन, उसको फिल करना है। फिर देखिए ध्रुव तारे की परिक्रमा कौन करते थे, तो कौन करते थे, सप्तऋषि करते थे। तो ग का क्या हो गया, सी। तो इसे आप अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां देखेंगे हम
ऐसा किसने कहा? तो मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। ये बात किसने कही थी, याद है आपको? ये बात छोटी रानी ने कही थी, जिसका क्या नाम था? सुरुचि। ठीक है, क्या नाम था उसका? सुरुचि। फिर तुम भगवान की पूजा करो, उनकी कृपा से तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। किसने कहा था ये, याद है आपको? सुनीति ने, जो बड़ी रानी थी। ठीक है, तो देखा हमने ध्रुव से ध्रुतारा तक के सफर में किस तरह से जो बालक ध्रुव है उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा और उनका कठोर तप उनके बहुत बड़े और उनको ऊंचा पद दिलाने में उनकी वो चीजें सहायक हुई। तो आप भी हर काम के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें और आप निश्चित रूप से उस जगह में या जो आप चाहते हैं वो आपका काम पूरा होगा। तो अभ्यास आप अच्छे से पूरा फिर से इसे दोहराइएगा पाठ को और फिर से इसको रिवाइज करिएगा। कुछ नहीं समझ आता वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।